डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। ठीक है, 10th क्लास में जो साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं वो अम्ल, क्षार और लवण के अभ्यास के प्रश्नों उत्तर को पीछे वाले जो रहता है एनसीईआरटी के सबसे पीछे, ठीक है, जो चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद, उसको अभ्यास का प्रश्न उत्तर कहते हैं। तो अभ्यास के इस प्रश्न उत्तर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक के हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 6, आपके अगर आपके पास बुक है, बुक से क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आपको बोल दे रहे हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन है, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। पूर्ण विराम, एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित करें। देखो भाई, क्वेश्चन जो बोला जा रहा है यहाँ पे कि अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होते हैं और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, लेकिन ये अम्ल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्यों? इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले छठा का उत्तर लिखा जाए, फिर हम क्रियाकलाप द्वारा इसको समझाते हैं। उत्तर में लिखेंगे, अल्कोहल एवं ग्लूकोज के जलीय विलयन आयनीकृत नहीं होते हैं, और H प्लस आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, कॉमा, इसलिए ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं अतः इनके विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं जरा समझिएगा इस बात को दोस्त। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होते हैं, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन वे अम्ल की कैटेगरी में इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इनको जल में घोला जाता है तो H प्लस आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। ध्यान से समझिए, हम लोग अम्ल का डेफिनेशन पढ़े हैं कि ऐसा यौगिक जिसके जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्सर्जित हो, H प्लस आयन उत्पन्न हो, उसको अम्ल कहा जाता है, जबकि OH माइनस अगर आयन उत्पन्न होती है तब वह क्षार कहलाता है। तो कुल मिलाकर ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन होते हुए भी ये अम्ल इसलिए नहीं कहलाता है क्योंकि इससे इसके जलीय विलयन से H प्लस आयन उत्पन्न नहीं होते हैं। अगर H प्लस आयन उत्पन्न होता तब हम कहते कि अल्कोहल और ग्लूकोज अम्लीय है, लेकिन ये अम्लीय नहीं है क्योंकि अम्ल का पहचान है H प्लस उत्पन्न करना, जो कि यह नहीं कर पाता है। आपको हम जानकारी के लिए बता दें, जब OH माइनस कोई यौगिक उत्पन्न करता है वह क्षार कहलाता है। और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन तो है लेकिन H प्लस आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। हाइड्रोजन अलग है साथियों, H प्लस आयन अलग है क्योंकि ये आयनीकृत हो रहा है। प्लस और माइनस को बताता है आयन को, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये तो रहा, लेकिन इसमें एक और सवाल बोल रहा है कि आप इसको क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। तो उसके नीचे छठा का भी उत्तर ही चल रहे हैं, उत्तर में लिखा जाए क्रियाकलाप।
क्रियाकलाप में एरो देकर लिखेंगे। सबसे पहले क्रियाकलाप में क्या क्या लेना है, क्या क्या कैसे कैसे करना है, एक्सपेरिमेंट, उस क्रियाकलाप के सामने हम लोग सभी बातों को लिखेंगे। तो क्रियाकलाप में लिखा जाए, एक एक बीकर में, एक बीकर में अल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन लेंगे। एक बीकर में अल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन लेंगे। कॉमा, बीकर में दो कीलें, कीलें का मतलब कांटी, ठीक है, दो कीलें बीकर में, बीकर ऐसे लिखिएगा, सॉरी, बीकर के कॉर्क में, कॉर्क बताते हैं कॉर्क क्या होता है, ऐसे लिखिएगा, बीकर में के दो कील लगा लेंगे, दो कील लगा लेंगे। पूर्ण विराम, कील को बैटरी कॉमा बल्ब और स्विच के साथ जोड़ देंगे। कील को बैटरी कॉमा बल्ब और स्विच के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। इसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। तब हम पाएंगे कि आयनों का अनुपस्थिति के कारण, आयनों के अनुपस्थिति के कारण विद्युत का चालन नहीं होता है, विद्युत का चालन नहीं होता है, अतः ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं, अतः यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब देखिए, क्रियाकलाप का मतलब होता है प्रयोग करना, ठीक है। सवाल बोल रहा था कि इसको प्रयोग द्वारा समझाइए, साबित कीजिए कि आखिर क्यों नहीं अल्कोहल और ग्लूकोज जो है अम्ल की कैटेगरी में आता है। इसके लिए पहले नीचे इसको क्रियाकलाप को लिखकर उसके नीचे एक फिगर भी बनाना होगा, तो हम लोग फिगर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक बीकर लेंगे हम लोग, ठीक है, ये हुआ हम लोगों को बीकर, ठीक है, ये हुआ क्या, ये बीकर हो गया, ठीक है। एक बीकर ले लिए हम लोग यहां से, बीकर मतलब बर्तन, और इस बर्तन में ना सबसे पहले क्या रख दिए, ग्लूकोज और अल्कोहल, ग्लूकोज और अल्कोहल। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, इसमें हम लोग भर दिए ग्लूकोज और अल्कोहल। उसके बीच में एक कॉर्क लेंगे, कॉर्क क्या होता है, तो उसके बीच में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग कॉर्क कहते हैं। तो कुल मिलाकर इसको हम लोग बीकर कह रहे हैं, ये बीकर लिए, बर्तन लिए, उसमें ग्लूकोज और अल्कोहल डाल दिए, और ये जो है हम लोगों का ये क्या है, कॉर्क है, और इसके ऊपर दो कील, यानी कील मतलब कांटी ठोक देंगे, यहाँ पे ना कांटी ठोका हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ पे कांटी ठोक देंगे, इसको हम लोग कह रहे हैं कील। कितना ठो कील है, एक ठो ये कील और एक ठो ये कील। अब इस कील को हम लोग क्या करेंगे दोस्त, कि इस किल से अब हम लोग एक बैटरी को जोड़ेंगे, इसमें हम लोग एक बैटरी जोड़ दिए, बैटरी का ऐसे ऐसे से सूचित करते हैं, ये क्या है, ये बैटरी है, ठीक है। उसके बाद इधर बल्ब जोड़ दिए, ये क्या है, तो बल्ब है,
उसके बाद उसके नीचे ये स्विच हो गया। स्विच को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, ये हो गया स्विच, ठीक है। इतना काम कर लेंगे और स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि करंट जा ही नहीं रहा है। जब यहाँ से बैटरी वगैरह सब जोड़े हैं तो यहाँ से करंट जो है, विद्युत जो है, नहीं जा पाता है, इसलिए हम बोलेंगे कि यह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज और अल्कोहल जब हम इस बर्तन में लिए हैं तो जब इसमें करंट पास करते हैं तो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं जा रहा है क्योंकि H प्लस आयन उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस फिगर को भी उसके नीचे बना देना है, क्रियाकलाप में दिखा देना है कि हमने ये किया, तो पता चला कि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है अम्ल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन लिखिए, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है, जबकि वर्षा जल होता है। देखिए, आश्रित जल जो है विद्युत का चालक नहीं करता है, या यानी आश्रित जल किसको कहते हैं, अब ये समझिए। आश्रित जल का मतलब हुआ दोस्तों शुद्ध जल, ठीक है। इसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आश्रित जल किसको कहते हैं, शुद्ध जल को। कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी रोगी को पानी चढ़ाया जाता है बोतल में, नहीं, तो जब बोतल से पानी चढ़ाया जाता है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उसमें हम लोग आश्रित जल रहता है, उसमें कौन सा जल रहता है, आश्रित जल। उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शुद्ध जल किसको कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 होता है, या आश्रित जल उसको कितना कहते हैं, तो आश्रित जल भी उसी को कहते हैं जिसका पीएच मान 7 होता है। जो रोगी को पानी वगैरह बोतल से चढ़ाया जाता है तो उसमें जो पानी रहता है वही पानी क्या होता है, आश्रित जल है। उस जल में करंट जो है पास नहीं करता है, आपको जानना चाहिए। लेकिन वर्षा का जल है, ठीक है, वर्षा का जो जल है उसमें पानी का जो है करंट फ्लो करता है। तो यही पूछा जा रहा है सवाल में कि आश्रित जल है विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल का होता है। चलिए इसका उत्तर लिखा जाए, लिखेंगे इसका आंसर, आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं होता है जबकि जबकि वर्षा जल होता है, क्योंकि क्योंकि वर्षा के जल में, वर्षा के जल में घुलित लवणों के कारण, घुलित लवणों के कारण उसमें आयन उपस्थित होते हैं, लवणों के कारण उसमें आयन उपस्थित होते हैं जो उसे विद्युत का सुचालक बनाते हैं, जो उसे विद्युत का सुचालक बनाते हैं जबकि आश्रित जल में, जबकि आश्रित जल में कोई आयन उपस्थित नहीं होता है, कोई आयन उपस्थित नहीं होता है, अतः यह विद्युत का चालक नहीं होता है, अतः यह विद्युत का चालक नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सवाल क्या था कि जो आश्रित जल रहेगा, आश्रित जल उसमें जो है बोल सकते हैं कि विद्युत प्रवेश नहीं करेगा, विद्युत पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास नहीं होगा, लेकिन जो वर्षा का जल है, जो बरसात का पानी है, उसमें करंट फटाफट एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा।
तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि इसमें वर्षा जल में लवण की मात्रा होती है और इसमें लवण की मात्रा नहीं होती है। और दूसरी बात कि इसमें कोई आयन उपस्थित नहीं होता है, इसमें आयन भी नहीं होते हैं और जबकि इसमें आयन होते हैं। तो कोई पूछेगा कि तो कुल मिलाकर हम लोग आंसर यही बोलेंगे कि आश्वित जल में लवण की मात्रा होती है, उसमें लवण की मात्रा नहीं होती है, सॉरी, इसमें लवण की मात्रा नहीं होती है और इसमें आयन उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए आश्वित जल होता जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, इसमें सुचालक नहीं होता है। लेकिन वर्षा जल का बात करें तो वर्षा जल में लवण की मात्रा होती है, इसमें आयन भी होते हैं, सो हम इसलिए बोल सकते हैं कि वर्षा जल में जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन नंबर 2 ठो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को आज हम लोगों ने किया। अगले क्लास में हम 8, 9 आगे की क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।